हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। DSSB के बहुत सारे पेपर चल रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ कल, आज डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ है और आने वाले समय में जूनियर क्लर्क का पेपर होने वाला है, साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर का पेपर होने वाला है, मेडिकल क्लर्क का पेपर होने वाला है। तो बहुत सारे पेपर चल रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। आप देख सकते हैं लेटेस्ट है पेपर, ये प्रैक्टिस सेट तो नहीं कह सकते, ऐसे प्रीवियस मंथ के पेपर कह सकते हैं। 19/7 में पेपर हुआ था, ये लेटेस्ट है आपके लिए और सिर्फ आप किस लिए है तो प्रैक्टिस करें आप। और मैं हर दिन एक लेके आता हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहले देखता हूँ क्वेश्चन को पेपर कैसे हैं, पेपर अच्छा मिलता मुझे लगता है तब मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, मैं आगे बढ़ाते चलूँगा, आप इसे पॉज करेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। जो भी आपको दिक्कत होगा, कहीं भी दिक्कत होगा, आप उसे पॉज कर लेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, मैच कराएंगे, आंसर सही है तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज कर रहे थे कि जो अभी पेपर हुआ DSSB का पेपर हुआ, उसके बाद अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर हुआ, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का अपने एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर नहीं आए। तो उसके लिए मैं कह दूं आपसे कि देखो पेपर का जो अटेंडेंस था बहुत कम था, मैं आज शाम को या कोशिश करूँगा आज रात के अंदर मैं आपके लिए कट ऑफ लेके आ जाऊँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का, क्योंकि आज एक ही दिन पेपर हुआ, बहुत कम बच्चे गए हुए थे एग्जामिनेशन देने के लिए। और साथ साथ ये भी बता दूं मैं, पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा है। आप क्वेश्चन करके देखिए, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए जो पेपर हुआ था डांस ग्रेड 2 का पेपर हुआ था, ठीक है, और इसका जो पेपर हुआ था वो लमसम 8 से 9 दिन हुए थे, तीन शिफ्ट हुए थे। तो मैं इसका पूरा कंबाइंड जो 20 शिफ्ट को मैंने कंबाइंड PDF बना दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डांस ग्रेड 4 का जो पेपर हुआ था अभी हाल में 1 सितंबर के समय, उसका भी मैंने PDF बना दिया है 18 शिफ्ट का, आप वहाँ से मैं ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं स्टेनोग्राफर का मैंने PDF बना के नीचे दे दिया है, आप वहाँ से सारे प्रीवियस मंथ के पेपर हैं जो पेपर हुए थे अभी हाल में, स्टेनोग्राफर का भी मैंने 12 शिफ्ट 13 शिफ्ट का PDF बना के नीचे दे दिया है। LDC के पेपर हुए थे अगस्त महीने में, उसका भी मैंने सारे कलेक्ट किए, सारे पुराने पेपर जितने भी हुए थे अभी अगस्त महीने में सारे पेपर कलेक्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ लोग कह रहे थे मुझसे मेडिकल क्लर्क का पेपर हुआ, आपने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं किया, क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। तो देखिए मैं बता दूं, मैं आज सुबह से मैंने डाल दिया है, आप चाहेंगे तो मेडिकल क्लर्क का पेपर ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जूनियर इंजीनियर के लिए बोल रहे थे उनको बता दूं मैं, कल रात को मैंने डाल दिया था जूनियर इंजीनियर का पेपर। अगर पेपर है आपका, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, कोई पेपर हो, मैंने सबका PDF बना के कंबाइंड PDF बनाकर प्रीवियस जितने भी पेपर हुए थे सबका मैंने कंबाइंड बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। और जो कह रहे थे मुझसे कि स्टेनोग्राफर का पेपर चल रहा है, 10 तारीख को पेपर होने वाला है, उन लोगों को बता दूं मैं कि उसका भी मैंने PDF बना के नीचे दे दिया है, आप प्रीवियस मंथ के जितने पेपर हुए हैं सभी का मैंने अलग अलग से DSSB का सारे मैंने ईयर्स के जितने पेपर हुए थे अलग अलग पोस्ट के सबका मैंने PDF बना बना के नीचे दे दिया है, कोई 12 शिफ्ट का है, कोई 13 शिफ्ट का है, जितने पेपर हुए हैं सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो SSC का तैयारी करते हैं उनके लिए भी बता दूं मैं, CGL का, CHSL का, CPO का और अभी जितने भी स्टेनोग्राफर का पेपर का मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन CGL, CHSL और जो CPO हुआ था उस सब का पेपर का मैंने PDF बनाकर अलग अलग शिफ्ट का, कोई 32 शिफ्ट का है, कोई 34 शिफ्ट का है, कोई 18 शिफ्ट का है, सबका मैंने अलग अलग PDF बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस मंथ जो पेपर हुए थे जून में जुलाई में, उन सभी के पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर काफ़ी अच्छे हैं और आप सॉल्व करके देखेंगे तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन होने का चांस 90% बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है। चलिए इसमें देखते हैं पेपर का लेवल कैसा है। ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो स्टार्ट हो चुका है इसका जो GS है वो चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे, आप पॉज करके अगर बना रहे होंगे तो पेपर का आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बूस्ट होता है, हम लोग का जो थिंकिंग होता है वो बढ़ता है। मुझे लगता है कि अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग ला रहा हूँ तो आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अगर आप पसंद नहीं करते हैं मुझे लगता नहीं है कि लाना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। आज मैंने एग्जामिनेशन रिव्यू दिया है स्टेनोग्राफर का, आप चाहते हैं तो देख सकते हैं एग्जामिनेशन रिव्यू, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, चाहे आपको कहिएगा तो मैं वीडियो में चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप, वहाँ पर जाकर मैंने एग्जामिनेशन रिव्यू दिया है स्टेनोग्राफर का, जो पेपर कल हुआ था उसका मैंने एग्जामिनेशन रिव्यू दिया है, काफ़ी लोगों ने देखा है उसे, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अभी जाकर देखिए, अगर पेपर है आपका आने वाले समय में स्टेनोग्राफर का तो आप ज़रूर से देखिए, क्योंकि
अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए थे मैंने सब एग्जामिनेशन का रिव्यू दिया है, क्वेश्चन लिख कर दे दिया है, बता दिया है पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसे देखिए आपको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि PDF जरूर आप लीजिए क्योंकि उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर आप आने वाला समय पेपर है आपका तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। बहुत लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है और कहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट महसूस हुआ है मुझे PDF से, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप भी ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।